उसके बाद से इन लोगों ने मजे किए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुयश को भी और उनके चैनल देखने वालों को भी। सारे बॉयज यहीं सोएंगे मतलब। तो आप सभी को नमस्कार। सुयश असवाल यूट्यूब चैनल में सारा सामान पैक कर लिया और अब मैं निकल रहा हूँ रामनगर के लिए। अब रामनगर जाना है या पीरुमदारा, ये भी कॉल करके कंफर्म करूंगा। चल बेस्ट ऑफ जर्नी बाय। ये देखो ये मैंने नींबू पानी बना के भी दिया है। कुछ मत खाना, नींबू पानी पीना, अजवाइन नमक दे रखा, कुछ हो तो अजवाइन नमक खाना। ठीक है ठीक है। कल 2 दिन मैंने ब्लॉग नहीं डाला था क्योंकि ट्रेवल कर रहा था और थोड़ी सी जरा तबियत भी ऊपर नीचे हो रखी थी, तो इसलिए देखो इतना वो इसलिए क्योंकि कहना नहीं मानते हो। चलो ठीक है गाड़ी बंद करो यार, जाना निकलना लेट हो रहा हूँ मैं। कायदे से मुझे 1 या 2 बजे निकलना था लेकिन मैं निकल रहा हूँ 4:30 बजे, थोड़ा लेट हो गया। चलो कोई नहीं। तो अभी मैं वेन्यू पे पहुंच चुका हूँ, पीरुमदारा में है वेन्यू और होटल का नाम है मुद्रिया गार्डन। और देखो सब भाई लोग यहाँ पे कपड़े चेंज कर रहे हैं, मैंने भी यहीं पे कपड़े चेंज किए। और हमारे दुल्हन का भाई पुनीत भाई, बताइए आपको बहुत बहुत थैंक यू। और बढ़िया बढ़िया लग रहा है तुम्हारा कुर्ता, आपको भी बढ़िया लग रहा है। पर वो तो पता है इसने कपड़े पहन लिए तो मैंने भी चेंज कर लिया, वरना अगर ये ना करता ना तो मैं भी बोलता कि छोड़ो यार जो कपड़े आ रखे हैं तो उसी में कर लेते हैं। पर मेन बंदे ने करे चेंज तो मैंने बोला मेरे को भी करने पड़ेंगे, भाई भी करके आ गए चेंज। अब ये पूरी तेरे बाल रोके रोके लग रहे हैं, जरा लगा ले, थोड़ा शाइन मारेंगे ना। हे तेरे कोई मुखड़ी, हे तेरे प्यारी मुखड़ी, हे तेरे कोई मुखड़ी भली लगी रे, हे तेरे कोई मुखड़ी, हे तेरे प्यारी मुखड़ी, हे तेरे कोई मुखड़ी भली लगी रे। आँख में काजल नाक न धुली भली लगी रे, आँख में काजल नाक न धुली भली लगी रे। हाथ में कंगन कान में झुमका भली छाजी रे, हाथ में कंगन कान में झुमका भली छाजी रे। हे तेरे कोई मुखड़ी, हे तेरे प्यारी मुखड़ी, हे तेरे कोई मुखड़ी भली लगी रे, हे तेरे कोई मुखड़ी, हे तेरे प्यारी मुखड़ी, हे तेरे कोई मुखड़ी भली लगी रे। हे तेरे हाथे पहुंचिया तेरे खुटू पे चाबी कपाई बिंदुली भली छाजी रे। मठू मठू हिटना मुल मुल हसना खित खित बोलना भली लगी रे। हे तेरे कोई मुखड़ी, हे तेरे प्यारी मुखड़ी, हे तेरे कोई मुखड़ी भली लगी रे, हे तेरे कोई मुखड़ी, हे तेरे प्यारी मुखड़ी, हे तेरे कोई मुखड़ी भली। नहीं जैसे रील में करते हो ना वैसे करो ना। जानवी स्माइल आनी चाहिए। देख लो इधर देख लो। बढ़िया 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 ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। कुछ खतरनाक करने वाले भैया यहाँ पे। अरे साथ में जैनविन बोल देना, जैनविन। स्टार्ट एक्शन। बहुत बढ़िया। मेरे को 2 इंसान दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। सर घूंगे मेरा। तो अब सबका भोजन पानी हो चुका है और अब टाइम मिला है हमें। तो अभी तक मैंने ढंग से बताया नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मतलब मैंने शादी में बोला था, पुनीत से भी मिलाया था, पर ऐसा नहीं बोला था, मतलब ये नहीं बताया था, नाम नहीं बताया था। तो मैं पूनम की शादी में आया हूँ और पूनम को तो 99.9% लोग जानते होंगे, है ना। तो कैसे लग रहा है? शायद हाँ चलो शायद ठीक है। अभी थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मतलब मन नहीं कर रहा मैं शादी करने है। तो कैसा लग रहा है? अब बाकी घर के काम तुझे करने पड़ेंगे, अभी भी कर ही रहा हूँ। तो हाँ वैसे कपड़े धोने लगभग कर ही रहा हूँ, लगा हुआ है पता है यार। उस समय से मेरे को इसकी ड्यूटी लगी, अभी तक आंटी ने इसकी ड्यूटी नहीं लगाई घर पे ना। नहीं मेरे वैसे तो काम करता हूँ ना, पर वैसे भाई बहन नहीं है ना, तो उसे पता नहीं है मुझे कितना काम करना पड़ता है। हाँ, पर ये उस समय से काम पे लगा हुआ है, कितनी करनी पड़ती है हाँ, काम के लिए तो बुरा तो लग रहा होगा ना, लगेगा बाद में है? और मैं सुयश को और धन्यवाद बोलना चाहूंगी क्योंकि वो यहाँ पे आया, मतलब उसने अपना टाइम दिए इतना हाँ। क्योंकि वो भी पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता है, गंगोत्री भी गया था उसके बाद जाके यहाँ पहुँचा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सुयश को भी और उनके चैनल देखने वालों को भी, और अपना प्यार बनाए रखो। मेरे को सच में जब पता चला था ना कि शादी होने वाली है, जब एंगेजमेंट हुई है तो मेरा बड़ा मन था आने का, मतलब जाना जरूर है, तभी तो मैंने कैसे भी करके आ गया। तो मेरे को पूछा तो था, बाकी और भी मतलब ब्लॉगर्स मैंने बुलाए थे बट वो एक काम से नहीं आ पाए, हाँ, केदार यात्रा चल रही है, सारे चार धाम खुल रहे हैं तो उस वजह से वो लोग आ नहीं पाए, बस सुयश पहुंचा यहाँ पे। चलो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज की कॉकटेल पार्टी यहीं पे ही समापन करते हैं इसका, और कल मिलते हैं, कल मिले। एक सेकंड वो नाम दिखा दे जरा, रोहित की दुल्हनिया और सदा सौभाग्यवती। क्या बात है, मुझे डांस करने का मौका नहीं मिला अपनी शादियों में, इसलिए मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा है, मैं थोड़ा लेट पहुंचा पर इसने स्टार्टिंग में तो किया था ना डांस, हाँ स्टार्टिंग में किया था, उसके बाद से नहीं किया, उसके बाद से इन लोगों ने मजे किए हैं और मैंने ये बैठी हुई थी बेचारे उससे वजह से, पर नहीं अच्छी लग रही है। देखो ये कहाँ से बनवाया, ये एक बार अपने व्यूअर्स को बता दो, ये वही दिल्ली फिर और लड़के भी वहीं से बनवाएंगी। ये दिल्ली से बनवाया था, मेहता कलेक्शन से, अट्टा मार्केट, नोएडा, अट्टा मार्केट। आप सबको पता चल गया होगा पूनम ने कहाँ से अपने आउटफिट लिया है, सारा मतलब शादी का भी नहीं, शादी का नहीं, अच्छा वो शादी का शादी वाले दिन बताएंगे, और थे वो अलग अलग जगह गए हैं बट ये वाला लिया था। चलो चले फिर अब, हाँ अब बहुत लेट हो चुके हैं, दुल्हन को सोना भी है क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है। चले पुनीत भाई, चल रहे हैं, चलो रात के 2 बज गए, तुम चल नहीं रहे हो यार, वेट कर रहे हैं, किसका वेट कर रहे हो, डिनर का वेट कर रहे हो, अच्छा क्या बात है, बहुत मेहनत चल रही है, बढ़िया भैया, कल के डेकोरेशन के लिए काम हो रहा है यहाँ पे सारा का सारा, वेरी गुड, रात भर काम कर रहे हैं, सारे बॉयज यहीं सोएंगे मतलब है, क्या बात है, जेनविन है भाई जी, भाई ने तो देखो कपड़े भी नहीं उतारे, क्या बात है भाई, ये शर्ट कहाँ से ली तुमने, अच्छी लग रही है तुम्हारी, कहाँ से ली, संडे बाजार नहीं वो भी सुबह गया था भाई 8 बजे, अच्छी लग रही है, नहीं भाई ये जेन्युइनली अच्छी लग रही है, थैंक यू भाई, आप पहले आदमी उसने ऐसे बोला है, नहीं और अभी सब यहाँ पे दोबारा चेंज करने आ रखे हैं, और मैं सबके नाम पूछ रहा था क्योंकि मेरे को किसी का नाम नहीं पता। अब मेरे को ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं कॉलेज में आ रखा हूँ, और नया नया जैसे बच्चा कॉलेज में आता है ना, और फिर सबके नाम याद करने पड़ते हैं उसे, नए नए दोस्त बनते हैं फिर नाम याद करने पड़ते हैं, तो वही वाला फील आ रहा है मेरे को। एक उस गाड़ी में चेंज कर रहे हैं और एक ही अपनी गाड़ी है। अब यहाँ पे हम कुछ अंग प्रदर्शन करने वाले हैं, कोई नहीं, जेन्युइन भाई ने देखो पहले ही कर लिया कपड़े चेंज। सो जाए फिर ना, अभी थोड़ा सा काम हो रहा है। जेन्युइन कैसे सोना, जेन्युइन सोना नहीं क्या, मच्छर बहुत है यहाँ पे, हमारी पार्टी तो हो चुकी है, अब होगी मच्छरों की पार्टी। भाई बुरा हाल कर दिया कसम से, इस भाई को इतना काटा मच्छरों ने, इसके हाथ में टैटू बना दिया मच्छर ने जेन्युइन का, दिखाना अपने हाथ में जेन्युइन का टैटू, ये फिर आ रहा है। तो आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। कल बहुत अच्छे से मेहंदी हुई, सोए भी बहुत अच्छे से हम, जितने भी लड़के थे, कंपनी सबसे ज़्यादा मैटर करती है, और जितने भी सारे पुनीत के दोस्त हैं, पूनम के दोस्त हैं, बहुत मज़ा आया उनके साथ। एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मैं सबसे पहली बार मिल रहा हूँ, इनफैक्ट पूनम से भी मैं पहली बार ही मिल रहा था, पुनीत से तो मैं 2-3 बार मिल चुका हूँ। ये पीछे अब हो चुकी है हल्दी शुरू, मिस हो गया।